तो बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में आज आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। चंदन कुशवाहा खगड़िया के एसपी बने, वहीं वैशाली एसपी कार्तिकेय शर्मा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में उनका ट्रांसफर हुआ है। वैशाली के एसपी बने हैं हरकिशोर राय, राजेंद्र कुमार भील अरवल के एसपी बनाए गए, वहीं किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक का गृहरक्षा वाहिनी में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं सागर कुमार किशनगंज के एसपी बनाए गए हैं, अरवल एसपी विद्यासागर अग्निशमन विभाग में उनका ट्रांसफर हुआ। वहीं काम्या मिश्रा को दरभंगा ग्रामीण एसपी बनाया गया है, तो शाली के एसपी बने हैं। वहीं राजेंद्र कुमार भील अरवल के एसपी बनाए गए। तो बिहार में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रशासन से बड़ी खबर आ रही है, जहां चंदन कुशवाहा खगड़िया के एसपी बने हैं, वैशाली एसपी कार्तिकेय शर्मा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में भी ट्रांसफर हुआ है। वैशाली के एसपी हरकिशोर राय बने हैं, राजेंद्र कुमार भील अरवल के एसपी बनाए गए हैं, वहीं किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर बताइए, जो जिस तरह के प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं, तबादले की खबर आई है, इसका क्या मतलब निकाला जाए और इसे ऐसा किया क्यों किया गया, इसमें क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए चुनावी अधिसूचना जारी होने के पहले ही भारी पैमाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, उनकी पोस्टिंग की जा रही है, और उसी के साथ आज 8 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है। जो पटना में भी काम्या मिश्रा थी, उनको दरभंगा का ग्रामीण का एसपी बनाया गया है, वैशाली के एसपी हरिकिशोर राय को बनाया गया है, राजेंद्र कुमार भील अरवल के एसपी बनाए गए हैं, और इसके अलावे चंदन कुमार को खगड़िया का एसपी बनाया गया, किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक का गृह रक्षा वाहिनी में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये सागर कुमार किशनगंज के एसपी बनाए गए हैं। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है उसके पीछे मुख्य यही है कि जो चुनाव का समय है उसमें कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी नए एसपी को दी गई है, और इसीलिए काम्या मिश्रा को अब दरभंगा ग्रामीण का एसपी बनाया गया था। वो पटना में पद पदस्थापित रह चुकी हैं, और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विदेश की यात्रा में जा रहे हैं, वैसी परिस्थिति में उसके पहले राज्य सरकार ने यह फैसला लिया और कई पुलिस अधिकारियों को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। जैसे वैशाली के एसपी कार्तिकेय शर्मा है, उनको विशेष सशस्त्र पुलिस बल में दिया गया, और हरकिशोर सिंह को, हरकिशोर राय को वैशाली का एसपी बनाया गया। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर की ही बात है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नजर से और सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। सर बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार और जो भी सरकार रहती है, चुनाव के पहले चाहती है कि उन अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाए जो कहीं ना कहीं सरकार के विश्वासपात्र अधिकारी रहते हैं। वैसी परिस्थिति, दूसरी बात है कि जिन अधिकारियों पर पिछले चुनाव के समय में अगर किसी तरह का आरोप लगा रहता है तो उनको चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाता है। तीसरी बात है कि चुनाव के समय में हर अधिकारी की महत्ता बढ़ जाती है, उस परिस्थिति में जो अधिकारी हैं उनकी उनकी सही पोस्टिंग हो, यानी कि उनको लेकर के कहीं कोई विवाद ना हो, उनके आचरण को लेकर के कहीं चुनाव आयोग सवाल नहीं उठाए, इसको इसलिए ये ट्रांसफर किया गया। और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि कानून व्यवस्था सही रूप से चले और चुनाव निर्विघ्न रूप से निपट जाए। मुख्यमंत्री के विदेश जाने से पहले और लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए ये बड़े प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।